नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इमित्र हेल्प वीडियो में। दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि इमित्र के अंदर पैसे कैसे डालें, यानी कि उसके इमित्र वॉलेट का रिचार्ज कैसे करें। अगर आप पुराने इमित्र संचालक हैं तो आपको पता होगा कि इमित्र वॉलेट में पैसे किस प्रकार से डाले जाते हैं। लेकिन अगर आप पुराने इमित्र संचालक ना होके अभी अभी आपने नया इमित्र कियोस्क खोला है, अगर पहली बार आप अपने वॉलेट के अंदर पैसे डालने जा रहे हैं तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूं कि आप अपने इमित्र वॉलेट के अंदर मनी ऐड किस प्रकार से कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है फाइनेंस के अंदर। यहाँ पे जैसे ही आप इमित्र पे लॉग इन हो जाओगे तो यहाँ फाइनेंशियल का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन होगा वॉलेट का, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको रिफिल, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको कितना अमाउंट अपने इमित्र वॉलेट में डालना है वो राशि यहाँ पे आपको एंटर करनी है। तो इसके अंदर दोस्तों आप 500 से कम का अमाउंट इसके अंदर नहीं कर सकते, यानी कि रिफिल की जो सीमा निर्धारित की गई है सरकार द्वारा वो है 500, कम से कम आपको 500 रुपये तो करने ही हो। तो मैं यहाँ 2000 ले लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पेमेंट के अलग अलग मेथड दिए हुए, अगर आप एग्रीड से कर सकते हैं, आपके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी अलग अलग बैंक है, इलाहाबाद बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, एक्सिस बैंक, जो भी है, इन सारी बैंकों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप एग्रीड से भी कर सकते हैं, तो इसके अंदर दोस्तों आप हैं EBS पावर, जो भी बहुत सारे ऑप्शन है, बिल डेक्स हैं, पेटीएम है, तो ये जैसे कि ज़्यादातर लोग जो है बिल डेक्स या फिर पेटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं, SBI EasyPay का भी लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें से कोई भी आप ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आप UPI वॉलेट है तो उसका भी ले सकते हैं, जैसे कि ये अलग अलग दो UPI वॉलेट दिए हुए, माइक्रो ATM है तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग नेट बैंकिंग या फिर एग्री, ये दोनों ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो नेट बैंकिंग के अंदर डायरेक्टली बैंक का आपको सेलेक्ट करके जैसे ही पे जाएंगे तो उसके संबंधित जो नेट बैंकिंग का प्रोसेस है वो आपको फिनिश करना होगा। तो हम जाते हैं एग्रीड के अंदर, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ बिल डेस्क सबसे आसान तरीका जो मुझे लगता है, मुझे बिल डेस्क और पेटीएम दो सबसे आसान तरीके लगते हैं पेमेंट करने। दोस्तों इस दोनों से अगर आप पेमेंट करेंगे तो आगे जा के भी आप नेट बैंकिंग या डेबिट क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं बिल डेस्क चलता हूँ, फिर पे नाउ पे क्लिक करूंगा। अब दोस्तों मेरे पास मेरे डेबिट कार्ड की डिटेल मांगी जाएगी, तो मैं यहाँ प्रोसेस पे क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे मैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह कोई भी इस्तेमाल वापस यहाँ पर भी मुझे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो मैं डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर लेता हूँ। डेबिट कार्ड हर किसी के पास होता है। डेबिट कार्ड की डिटेल आपको फिलअप करके आपको मेक पेमेंट के क्लिक करके आपको ये पेमेंट करना है, तो मैं पेमेंट कर लेता हूँ। पेमेंट का प्रोसेस वही है जो नेट बैंकिंग के दौरान या फिर डेबिट कार्ड का इस्तेमाल हम ऑनलाइन करते वक्त तक करते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट पेमेंट करके वापस बताता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको इस तरह का कुछ ऑप्शन दिखाई देगा, तो इसके अंदर दोस्तों आपको यहाँ पे OTP एंटर करना है। तो दोस्तों OTP डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आएंगे योर पेमेंट रिक्वेस्ट इज बिगेनिंग प्रोसेस्ड, तो यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आपको इंतजार करना है जब तक कि आप ई मित्र पोर्टल पे नहीं पहुंचे। जैसे यहाँ पहुंचेंगे तो ये टोकन नंबर आपको दिखाई देंगे और रिफिल रिक्वेस्ट सक्सेसफुल विथ रेफरेंस नंबर, ये तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा आपका पेमेंट वॉलेट रिचार्ज हो चुका है। इसको देखना है तो आप होम और डैशबोर्ड पर जाएंगे, तो यहाँ पे दोस्तों ये वॉलेट में मैंने जैसे पहले 670 रुपये पड़े थे, 2000 रुपये ऐड किए, तो ये 2670 रुपये अभी मुझे यहाँ पे शो है। तो इस तरह से आप अपने ई मित्र के वॉलेट के अंदर पेमेंट ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि ई मित्र वॉलेट के अंदर पेमेंट किस प्रकार से ऐड किया जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक व शेयर करें, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल ई मित्र हेल्प वीडियो को सब्सक्राइब करें।